हेलो फ्रेंड्स, मैं वैद्य करणवीर सिंह फ्रॉम चंडीगढ़ आयुर्वेद सेंटर। आई एम फोर्थ जनरेशन ऑफ माय फैमिली हु सर्विंग सोसाइटी इन फील्ड ऑफ आयुर्वेदा। सो वी ऑलरेडी कंप्लीटेड 131 इयर्स इन सर्विंग टू ह्यूमैनिटी। आज का जो विषय आपके सामने मैं लेके आया हूँ, बहुत सारे लोग या बहुत सारे आजकल हम पेशेंट देख रहे हैं जो इस रोग से आजकल बहुत, पहले इतने केसेस नहीं आते थे जो हमें आजकल रिपोर्ट हो रहे हैं। आज का जो रोग है उसका नाम है IBS, IBS इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, जो कि एलोपैथी या किसी और अन्य पैथी के द्वारा इसे ऑटो इम्यून डिजीज के कैटेगरी में रखा जाता है। और इसके बहुत भिन्न भिन्न कारण है इस रोग को होने के। तो हम आज का वीडियो शुरू करते हुए मैं आपको पहले IBS के बारे थोड़ा ब्रीफ देना चाहता हूं। IBS इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, जैसे मैंने आपको बोला है, इसमें अक्सर जो पेशेंट होता है उसको खाना इजिली डाइजेस्ट नहीं होता। वो जब भी खाना करता है या जब भी कुछ लिक्विड या कोई भी खाना किसी भी रूप में खाता है, उसे मोशन का अर्ज होता है, मींस उसे मोशन का एक वेग उत्पन्न होता है। वो कोई भी खाना प्रॉपरली डाइजेस्ट नहीं कर पाता। इसके साथ साथ उसको कई बार मूड स्विंग्स होना, इरिटेशन होना, या बॉडी वेट का गिरना, मींस बॉडी वेट का कम होना, ये सारे सिम्टम्स इस रोग में आते हैं। तो IBS हमें ये भी समझने की जरूरत है कि बहुत सारे हॉस्पिटल्स या बहुत सारे ऐसे जगह हैं जहां पर उसका जो प्रोटोकॉल ऑफ ट्रीटमेंट है वो एंटीबायोटिक्स या डाइजेस्टिव ऐसी चीजें, एंटी एसिड्स दिए जाते हैं जो कि वो इतने सिम्टोमेटिकली इसको ठीक कर सकते हैं। हो सकता है कि मोमेंटली आपके जो सिम्टम्स हैं वो दब जाएं, पर आप अगर बाद में देखोगे वो पेशेंट वैसे ही महसूस करता है जब वो पेशेंट अपनी दवाई छोड़ता है जैसे कि वो पहले महसूस करता है। मतलब आप जब भी, जब तक दवाई खाओगे आप तब तक ही ठीक महसूस कर पाओगे, उसके बाद दवाई छोड़ने के बाद आपको वही सिम्टम्स रीअकर हो जाते हैं। आयुर्वेदा में इसको आमा के साथ जोड़ा गया है। आमा मीन्स टॉक्सिन्स। बॉडी में जब टॉक्सिन्स एक्यूमुलेट होने शुरू हो जाएं, इकट्ठे होने शुरू हो जाएं, उसको आमा कहा जाता है आयुर्वेद में। और आमा को निरामावस्था में, मींस डिटॉक्स कर ठीक करना ही इसका मुख्य रूप से लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है। इसको, इसमें बहुत सारी औषधियों को, इवन कि बहुत सारे जो आपके घर में खाने में मसाले यूज होते हैं, जैसे कि हम, मैं बात करूंगा त्रिकटू की। हम COVID-19 के अंदर भी त्रिकटू का बहुत अच्छा रोल है, और हम आजकल गवर्नमेंट्स में कई एडवाइजरी में सुन रहे हैं कि त्रिकटू लीजिए, त्रिकटू लीजिए। त्रिकटू का मतलब है तीन चीजें जो कटु रस हैं, पिपली, सुंड और काली मिर्च। इनका मिश्रण आपके आमा को निरामावस्था में लाने में बहुत ही हेल्पफुल है। और तभी गवर्नमेंट की एडवाइजरी अनुसार भी, और बहुत सारे पब्लिशर्स भी पब्लिश हो रहे हैं कि त्रिकटू का सेवन करना आज के समय में बहुत ही अनिवार्य है और बहुत ही आपकी सेहत के लिए लाभदायक है। उसके साथ क्यूर्कुमिन, क्यूर्कुमिन मींस हल्दी, हल्दी के कैप्सूल। इवन आयुर्वेद में ऐसी बहुत सारी औषधियां हैं जो इसके लिए बहुत ही लाभदायक हैं। मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपको इस सारी जो एक रोग है इसके बारे में प्रॉपरली ज्ञान दे पाऊं, ताकि आप अपने जिस रोग को, अपने लाइफस्टाइल को थोड़ा ठीक कर, मींस आप पैक्ड फूड को थोड़ा अवॉइड करें, कोल्ड ड्रिंक बेवरेजेस को थोड़ा अवॉइड करें, इससे भी आपको काफ़ी लाभ हो सकता है। इवन IBS पेशेंट में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है, अगर आप अपना खाना टाइमली खाएं और हल्का खाएं तो बहुत जल्दी आपको आराम मिलता है और आपको शायद किसी औषधि की भी जरूरत ना पड़े। जो लोग IBS से काफी देर से ग्रस्त हैं, काफी देर से उसको परेशान हैं, तो उनको मैं एक सलाह देना चाहूंगा
कि जो इसका इलाज है, अगर आप प्रॉपर इलाज करवाना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप आयुर्वेद की तरफ रुख करें, क्योंकि आयुर्वेद में इसका एक परमानेंट क्योर है। और परमानेंट क्योर के साथ आपको एक ऐसी इम्यूनाइज या इम्यूनिटी प्रदान मिलती है जो दवाइयाँ देती हैं, जो आपको बार बार ये रोग से ग्रस्त नहीं होने देती। तो जो आयुर्वेदा एडवाइजरी है, आयुर्वेदा की फूड लाइफस्टाइल के साथ जो एडवाइस आपको मिलेगी, आप जरूर उसको अपनाएं। और उसके लिए आप हमारे वेबसाइट चंडीगढ़ आयुर्वेद सेंटर .com को अगर आप देखेंगे तो हम रोज कुछ ऐसे आर्टिकल्स को पब्लिश करते हैं जो लोगों के हित में है या लोगों को पढ़कर उनसे लाभ मिल सकता है। वो आर्टिकल्स हमारा बेसिकली डॉक्टर्स, हमारी एक टीम है जो इस टीम पूरे टीम वर्क एक हमारा होता है, जिसमें हम बहुत जो एक सरल भाषा में, इजी टू अंडरस्टैंड भाषा में हम कोशिश करते हैं कि अपनी वेबसाइट पे पब्लिश करें, ताकि बहुत सारे लोगों में जो एडवाइजरी या जो आयुर्वेदा के नियम हैं वो आप तक पहुंच सके। मैं एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने फिर आऊँगा, तब तक के लिए बाय बाय, नमस्कार।